और खबरों के बीच सीधा रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर की तरफ, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत चुनार कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति के द्वारा गंगा नदी में छलांग लगाने का मामला सामने आ रहा है। जी हां, आपको बता दें, यह मामला है मिर्जापुर जनपद के चुनार कोतवाली क्षेत्र का। सद्दूपुर चुनार निवासी 28 वर्षीय जावेद पुत्र सफीक खान, इसने गंगा में छलांग लगा दी है। प्रत्यक्षदर्शियों और राहगीरों के द्वारा सूचना मिलते ही मौके पर चुनार नगर पालिका के चेयरमैन मंसूर अहमद और सीईओ और इंस्पेक्टर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर थी और खोजबीन में जुटी हुई थी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर R9 भारत टीवी स्क्रीन पर। अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की तरफ। गौरव जी, ये जो चुनार कोतवाली थाना क्षेत्र में गंगा नदी में व्यक्ति के द्वारा कूदने का मामला सामने आया है, इस संबंध में अभी तक क्या जानकारी प्राप्त हुई है? देखिए, अभी तक तो सर जो जानकारी मिल रही है कि देर शाम तक अभी शव बरामद नहीं किया जा सका था, और अभी टीम शाम होने की वजह से जो पेट्रोलिंग सर्च ऑपरेशन था उसको रोक दिया गया है, क्योंकि गंगा नदी में इस समय पानी भी बहुत ज्यादा है और बाढ़ के पोजीशन पे है। खैर, पानी तो कुछ घटा है, लेकिन अभी भी पानी ज्यादा होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है एनडीआरएफ की टीम को। और सुबह ये लगभग 11-12 बजे की घटना है सर, और टीम अभी तक लगी हुई है, और अभी कुछ देर पहले रेस्क्यू ऑपरेशन जो था वो बंद कर दिया गया है शाम होने की वजह से। जी सर, ये जिसने छलांग लगाई है नदी में, जी, किसी तरह से प्रताड़ित था या कोई समस्या थी, क्या कारण है कूदने का, कुछ पता चला? सर, अभी तो कुछ इस तरीके की सूचना नहीं मिल पा रही है, लेकिन सूत्रों के द्वारा जो सूचना मिल रही है कि कुछ घर से कुछ अनबन शायद है, सूत्रों के द्वारा जो सूचना मिल रही सर। मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंचा है, उसका क्या कहना है? सर, स्थानीय प्रशासन का यही कहना है कि पूरी स्थानीय प्रशासन और जो यहां के चेयरमैन वगैरह थे सब लगे हुए थे, लेकिन देर शाम तक सफलता नहीं मिली, शव नहीं प्राप्त हो सका सर। धन्यवाद।